What is this, Radha? Are you trying to be over smart? No, sir, but isn't it looking beautiful and fresh? Radha सही कह रही है. It is looking nice, Kabir. But मैंने क्या कहा था? ये glamorous photo shoot है. Of course, sir. It is a glamorous shoot. But you should know that a girl can look sensual and beautiful even without the skin show. और क्या मैं ये गलत कह रही हूँ? आखिर तुमने किया वही जो तुम चाहती थी. You know what? That's why I like you so much. Come on, guys. Let's start the shoot. ये तो तूने कमाल कर दिया चमेली. जयश्री का चेहरा तो देखो. वैसे राधा के डर से जयश्री ने फोटो भी खिंचवा ली. हाँ भाभी, हम जानते हैं ना कौन सी नस दबाने से कहाँ दर्द होता है. तभी तो हमने जयश्री भाभी को याद दिलाया कि पैसों से भरा हुआ बैग अभी भी राधा दीदी के पास है. बस फिर क्या था, वो फट से मान गई. ठीक है, अब जाओ जाकर रसोई संभाल लो. जी साधना बहू, बहुत दुख होता है ये देखकर कि इस घर के लोग पैसे की मोह में अंधे हो गए हैं. हाँ बुआ जी, हमें भी इस बात का बहुत खेद है, लेकिन अब लगता है जैसे मोदी जी प्लीज हम ऐसा नहीं कर सकते. अरे क्या हुआ शामली को? बुआ जी हम देखते हैं. बस शामली जी, अब हमें तलाक चाहिए, बहुत हो चुका है. हमें इन कागजों पर दस्तखत चाहिए अभी के अभी. क्यों मुरली जी, हमारा कसूर क्या है? आपका कोई कसूर नहीं है शामिल जी, लेकिन इसमें हमारा भी कसूर क्या है? लेकिन मुरली जी, माँ, आप चाहे तो माँ से ही पूछ सकती. देखिए शामिल जी, हम सच्चाई से भाग नहीं सकते, चाहे सुनने में कितना ही कड़वा क्यों ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने आपसे कभी प्यार नहीं किया और ना ही कभी कर पाएंगे. ये शादी सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, लेकिन आपके लिए भी एक बोझ बन चुकी है और हम इस दिखावे को खत्म कर देना चाहते हैं. हम आपको आजाद करते हैं शांति जी, शांति जी, और आप भी हमें आजाद कर दीजिए. क्या है मुरलीधर, जरा ठंडे दिमाग से सोच. माँ आप आज कुछ नहीं बोलेंगी. क्यों ना बोले, हम तुम्हारी माँ है. जिस दिन माँ होने का फर्ज निभा पाएंगी ना, उस दिन आकर माँ होने का हक भी निभा लीजिएगा. मुरली, ये क्या तमीज है अपनी माँ से बात करने की? चाहे कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारी माँ ही रहेगी. और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी पट्टी बांध दी है उस लड़की ने तुम्हारी आंखों पर, जो तुम्हें सही और गलत का फर्क ही नजर नहीं आ रहा है. कल रात को तुम्हारी आंखों के सामने उस लड़की का पर्दाफाश हुआ था ना,
फिर भी उस बहुरूपी ये चालबाज लड़की के लिए तुम इतने मरे जा रहे हो, और उस गिनी हुई लड़की के लिए तुम शामली जैसी बहू को तलाक देना चाहते हो। वाह वाह, आप सबको उसका भेस बनाकर इस घर में आना दिखा, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए जो प्यार है वो नहीं दिखा। वो इस घर में सिर्फ हमारे लिए थी, इतने साल उसने सिर्फ इंतजार किया हमारा, और हमने क्या किया उसके लिए, यहां तक कि उसके लिए उसके साथ खड़े तक नहीं रह पाए हम। मुरलीधर बेटा, वो तुम्हें धोखा दे रही है, बात को समझो। वाह मां वाह वाह, जिस राधा ने हम सबको धोखा दिया, जिसकी वजह से दादाजी की यह हालत हुई है, हम सबको जेल जाना पड़ा, पूरा घर बिखर गया, आज वो लड़की आपके नजरों में सही है, और नेहा नेहा जिसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वो गलत है। वाह मां वाह, क्या इंसाफ है आपका। वाह बस कीजिए मुरली जी, बस कीजिए, कम से कम अपनी माँ को तो बख्श दीजिए। हमें भी कोई शौक नहीं है बहस करने का, हमने फैसला कर लिया है, हमें बस तलाक चाहिए, तो चाहिए। पढ़कर दस्तखत कर देना। हम आकर ले जाएंगे। चेंज नहीं राधा, थोड़ी और स्माइल रखो, तुम्हारी आंखों में वो प्यार नजर आना चाहिए। ओके कम ऑन यार, ये हो क्या रहा है, सेम वही पोज वही स्माइल। मैंने तुमसे कहा ना, आई वॉन्ट टू ब्रेक राधाज इमेज, हॉट एंड सिजलिंग, कहा ना तुमसे। कम ऑन, तुमने ड्रेस में अपनी मनमानी की एंड आई गेव अप, बट नाउ इट्स नॉट डन, कम ऑन इट्स टाइम टू गिव सम गुड शॉट्स। ओके रॉन्ग, कबीर ये जानबूझकर कर रहा है। नो नो गाइस गाइस, दिस इज स्टॉप इट हियर, आई थिंक इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग, आई थिंक द प्रॉब्लम इज विथ योर हील्स, यू नीड हायर हील्स। एलडी, ऊपर जाके राधा मैडम के शूज ले आओ। You, I'm talking to you. जल्दी जाओ, we don't have time. क्या हुआ राधा, तुम शॉट पे ध्यान दो ना। सर एल्डी मेरी सिक्योरिटी है, आप उसे मेरे जूते लाने के। मौन राधा, अब तुम स्टार बनने वाली हो, ये सब चीजों पे अपना दिमाग खर्च मत करो। Thanks, buddy.
So come on, Radha. Arjun, are you ready? Let's go for it. Okay, wait. I'm so sorry, but I think the problem is with your dress. Frankly speaking, I can't make my heroine look tacky. Rita, पूछो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ना ड्रेस का, बोले आओ. You have to change, sweetheart. 2 minutes. राधा जाओ और अभी ड्रेस चेंज करके आओ, ओके? सर, हम इसी ड्रेस में एक और बार ट्राई करते हैं. I promise I'll give you the best shot. But you know, मैं ऐसे कपड़ों में comfortable feel नहीं करती. राधा, what is your problem? जब से यहाँ आई हो, हर चीज में बहस करने लग गई हो. What's the big deal? हर हीरोइन ऐसे ही कपड़े पहनती है. अगर इतना ही था राधा, तो तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही नहीं चाहिए था ना. कबीर, एक मिनट. I'll talk to her. Excuse me. Radha. Radha, what's wrong with you? पहन लो ना ड्रेस. देखो वरना एलडी को पता चल जाएगा कि तुमने चतुर्वेदी निवास बचाने के लिए ही कबीर के साथ 5 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. कम ऑन राधा. पहन लो ना ड्रेस. जस्ट फिनिश इट ऑफ. शिवानी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. तुम राधा को ऊपर चेंजिंग रूम में ले जाओ और चेंज करवा दो. ओह गॉड. अरे, लाइट्स को क्या हुआ? कुछ अब वोल्टेज का इशू लगता है. ऐसा यहां होता रहता है. ओह नो, अब कैसे करेंगे? Call an electrician right now. अब मैं ठीक कर सकता हूँ. मेन स्विच बोर्ड कहाँ है? उधर है. चलिए. जाओ राधा, तब तक तुम चेंज कर लो. जोर का ब्लास्ट हुआ तो वो शायद वायर जोड़ने के चक्कर में शॉर्ट सर्किट हो गया. अरे अगर तुम्हें नहीं आता था तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते ना. हीरो बनने की क्या जरूरत थी? Do you want know, मेरे पास लिमिटेड टाइम है इस फोटोशूट के लिए. सर, इस वक्त शाम को आपको शायद इलेक्ट्रिशियन मिलता भी ना. मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की. बस करो एली. How can you do this, यार? खुश हो ना तुम? कर दिया ना मेरा फोटोशूट खराब तुमने. कितनी बार कहा है कि डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट. अपने काम से काम रखने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पूरा फोटोशूट खराब कर दिया. नाउ हु विल कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस? सबको पता था कि एक दिन में फोटोशूट खत्म करना है. नाउ व्हाट? दो चार अच्छी बातें क्या कर ली? तुम तो फायदा उठाने लग गए. बस बस इनफ. मानता हूं कि आप बहुत बड़ी हीरोइन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऐसे छोटा दिखाएं. अरे मैं तो आप सबकी मदद करने की कोशिश कर रहा था यार, पर यू गाइस जस्ट फॉरगेट इट. अगर आप सबको मुझसे और मेरे काम से इतनी ही प्रॉब्लम है तो नहीं करना काम मुझे आप सबके साथ. आई क्विट. यस. अब आप अपने लिए और अपनी हीरोइन के लिए
किसी और सिक्योरिटी का इंतजाम कर लीजिएगा। तुम यहां रहते तो कबीर सर तुम्हारी इंसल्ट करते रहते, और तुम्हें इस बेइज्जती से बचाने के लिए मुझे तुम्हें जॉब से फायर करना होगा। I'm sorry, अली, तुम पर चिल्लाने के लिए। कबीर, आई थिंक हमें ये फोटोशूट किसी और दिन प्लान करना होगा। इट्स टू मच ग्रुप अप। राधा ने एलडी पर चिल्लाया, आई एम सरप्राइज्ड। पर अच्छा ही, एटलीस्ट नाउ ही इज आउट ऑफ आवर लाइव्स। आज तक हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, जानकर किसी को तकलीफ ही नहीं पहुंचाई, फिर हमारे हिस्से में इतना दुख क्यों लिखा बाकी बिहारी? क्या गलती हुई थी हमसे? श्यामली बेटा, इस तरह चुप मत बैठो, अपना दुख बांटो हमसे, कुछ बोलो। क्या बोले? अब ना हमारे पास कुछ कहने को है और ना ही आपके पास। आपका बेटा, हमारा पति हमसे तलाक मांग रहा है, अब क्या रह गया है कहने सुनने को? बेटा, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। कोई फायदा नहीं है माँ, आप अच्छे से जानती थी कि मुरली जी की जिंदगी में कोई और लड़की थी, तो आपने क्यों नहीं रोका इस शादी को? हमारी जगह आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप ऐसा होने देती? श्यामली बेटा, उस वक्त हालात कुछ और थे, समझने की कोशिश। बस कुछ मत कहिए, क्योंकि इस वक्त हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। दादाजी, बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, पता नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं। आप अपना हाथ पैर सर पर रख दीजिए, हिम्मत मिलेगी। इतनी राधा, क्या भैया, क्या कमजोर पड़ रहा हूं? सोचा था राधा से दूर रहूंगा, कांटेक्ट नहीं रहेगा तो ये इमोशनल लफड़े नहीं होंगे, पर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। दिल की सुनो या दिमाग की, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तक ये सारी बातें मैंने अपने अंदर दबा रखी, आज पहली बार आपसे कह रहा हूं। शायद जो सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा वो मिल जाए। लीलाधर बेटा, तुम कब आए? बस अभी आया। और बेटा, राधा कहाँ है? लीलाधर बेटा, तुम और राधा दोनों साथ गए थे ना, फिर राधा तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटी? पता नहीं मुझे, अब मैंने उसे सिक्योरिटी हैंडल करना छोड़ दिया। सो प्लीज, अगर आपको राधा के बारे में जानना है तो उसे कॉल करके पूछ लीजिए, मुझसे कुछ मत पूछिए। बेटा, भाऊजी,
आप तो जानते हैं ना, आपके पोते को बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। आप आराम कीजिए बाऊजी, हम बात करेंगे लीलाधर से, आज ही करेंगे। आई नो राधा, तुमने ये सब क्यों किया? एंड एक्चुअली यू डिड द राइट थिंग। एलडी का यहां से जाना तुम्हारे और एलडी के लिए बहुत जरूरी था। हाँ साधना आंटी, और डिवोर्स? पर मुरली भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? ओके, आप प्लीज शामली भाभी का ख्याल रखें और अपना भी। मैं फटाफट शूट खत्म करके घर आ जाती हूँ। हाँ कौन है?